बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहरीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन। ओके, टुडे इज़ योर आईसीटी सेशन, आईसीटी फॉर क्लास 8। तो आज की आपकी क्लास में मैं आपको बुक वर्क करवाऊंगी और बुक वर्क के साथ एक छोटा सा असाइनमेंट भी दूंगी ताकि आप अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट में ये है कि आपका जो चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 जो कंटिन्यू है, ठीक है, दोनों की की टर्म्स आपको अपनी अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है। तो की टर्म्स कैसे पेस्ट करेंगे आप? फर्स्ट चैप्टर की जो भी की टर्म्स हैं, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट चैप्टर की की टर्म्स। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर की टर्म्स हैं, ठीक है। और इसे अपनी कॉपी में आपने क्या करना है, पहले कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है, अच्छे से लिखना है, राइट करना है और फिर इसे पेस्ट कर देना है अपनी कॉपी में फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद सेकंड चैप्टर की भी की टर्म्स हैं, उसे अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। सबसे पहले कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है और फिर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है, अच्छे से राइट करना है। और कंप्यूटर पेपर कलरफुल हो, अगर नहीं तो वाइट पे भी चल जाएगा। लेट मी स्टार्ट योर वर्क। ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग क्लास 8, ओपन योर बुक। ओके, लेट मी गो फर्स्ट इंडेक्स। चैप्टर नेम एडवांस टॉपिक इथ एम एस एक्सेस, पेज नंबर 31। बुक पर करना है तो हम 49 पेज पर जाएंगे। ओके, डायरेक्ट पेज नंबर 49। सबसे पहले आपने यहाँ पे आज की डेट मेंशन करनी है। आज है 29 जुलाई 20, वेडनेसडे। ओके, एंड क्लास वर्क। लेट मी स्टार्ट योर वर्क। नंबर 1, टू असाइन मल्टीपल कीज एज प्राइमरी की, होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक रो सेलेक्ट फॉर ईच फील्ड। तो आंसर इसमें आएगा कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की आप क्या करेगी, इसको मल्टीपल कीज़ के साथ आपको सिलेक्शन करवाएगी। इसके बाद है यूजिंग द फॉरवर्ड इन द क्यूरी विजर्ड, वी मे डैश सेलेक्ट फील्ड 1 बाय 1, सेलेक्ट फील्ड 2 एट अ टाइम या सेलेक्ट ऑल फील्ड एट वंस, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि आपने एक ही ऑल फील्ड्स, एक साथ तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिए। नंबर 3, तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है सी पे और यहाँ पे लगाना है। नंबर 3 पे आ जाएं। इन विच कमांड डू वी इनकाउंटर द फॉलोइंग द डिफरेंट कॉलम इन द अबव शो ग्रीड लाइंस स्टैंड फॉर डिफरेंट फील्ड सेलेक्टेड विद इन वेरी एवरी कॉलम डिफरेंट रोज स्टैंड फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फील्ड। तो इसका आंसर है क्यूरी डिज़ाइन, ठीक है। क्यूरी डिज़ाइन में ऐसा होता है, तो आपने इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वे टू क्रिएट फॉर्म, ठीक है। डेटा शीट के अंदर फॉर्म्स को क्रिएट किया जाता है और स्पीड इसकी फॉर्म है, तो जो मर्ज है वो इसकी फॉर्म नहीं है। अब फिलिंदा ब्लैंक की तरफ मूव कर रहे हैं। टू सेलेक्टिवली रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ टेबल इज नोन एज क्यूरिंग। ओके, नंबर 2, with the opening of the query window a new tab open up in ms excel 2010, this is called design tab. okay, number 3, data sheet is a way to create form, form, form. last one, dash are the way to produce the data stored in database and tables in printed form. to kya aa jayega yahan pe, reports। तो ये एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, और मूव करते हैं एक्सरसाइज सी पे। टेक द करेक्ट आंसर। मल्टीपल कीज मे रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की, राइट, ठीक है। मल्टीपल कीज़ क्या है, आपकी प्राइमरी कीज़ को रिप्रेजेंट करती है। स्प्लिट फॉर्म इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले, यानी कि व्यू ऑफ फॉर्म फॉर अ टेबल, ठीक है। स्प्लिट फॉर्म आपकी किसकी टेबल है, फॉर्म ऑफ टेबल की, जैसे ऊपर भी बताया था कि डेटा बेस की फॉर्म है ये स्प्लिट फॉर्म। नंबर 3, ऑन क्रिएटिंग फॉर्म 4 न्यू टैब्स विल ओपन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म लेआउट टूल्स, राइट। ऑन क्लिकिंग ऑन रिपोर्ट्स कमांड अ रिपोर्ट स्क्रीन विल ओपन अप,
along with that three new tabs will open under the heading report a layout tools. ठीक है, तो three headings नहीं होती हैं इसकी, four headings आती हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, false है. अच्छा जी, next page की तरफ move करें. यहाँ पे एक exercise भी है, exercise group activity है. ठीक है, तो आपने घर में बैठ के खुद individually करनी है इसे. draw a table in Excel, तो आपने ये series complete करनी है और अपने क्लास के क्लासमेट के नेम लिख दें यहाँ पे. और इसके बाद आपने ये लिखना है कि आपने उनके हिसाब से इंग्लिश के मार्क्स इनके राइट करने और साइंस के. तो ये तो प्रैक्टिकल है ना, तो आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिकल को एमएस एक्सेस के अंदर प्रेजेंट करना है. ठीक है, और अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड कर देनी है. इसके बाद है यहाँ पे क्विज. सबसे पहला जो आइकन है यहाँ पे आ जाएगा क्यूरी विजर्ड, QUERY क्यूरी, WIZARD विजर्ड आइकन इस चीज़ का है. इसके बाद सेकेंड आइकन है मैक्रो. ठीक है, इस चीज़ इस आइकन को बोलते हैं मैक्रो, MACRO मैक्रो. नंबर थ्री, इसको कहा जाता है इस आइकन को फॉर्म, FORM फॉर्म. और लास्ट में है जो नंबर फोर, इसे कहेंगे प्रॉपर्टी शीट. तो यहाँ तक आपके जो बुक वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है. एक असाइनमेंट टास्क दे रही हूँ मैं आपको, आपने इस चैप्टर की की टर्म्स को, और अगर शॉर्टकट कीज नहीं नहीं ठीक है, जस्ट इस चैप्टर की टर्म्स को कंप्यूटर पेपर पे राइट करके और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है. ठीक है, तमाम की टर्म्स 1 2 3 4 की टर्म्स हैं इसकी, तो 4 को आपने किस पे करना है, अपने कंप्यूटर पेपर पे राइट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, एक्टिविटी की हेडिंग शो करके और फिर अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट कर देना है. तो ये आज का आपका होमवर्क टास्क है. ओके. ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपके यहाँ पे एंड होती है. आज की क्लास में हमने बुक वर्क की थी, एक्सरसाइज ए बी सी और क्विज हमने किया था. ठीक है, और टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके अलावा असाइनमेंट टास्क दिए आपको मैंने चैप्टर वन और चैप्टर टू में, दोनों में की टर्म्स कंप्यूटर पेपर पर राइट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है. ओके, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर को करेंगे और रीडिंग को कम्प्लीट करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़, सी यू सून.